बिजली के दामों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जबलपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उमंग सिंगार ने कहा कि बहनों को एक तरफ 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ 5000 का बिल देकर जीजा की जेब में डाका डाल रहे हैं। धरना प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी शामिल हुए। इसके अलावा जबलपुर से पूर्व मंत्री लखन गंगोरिया और तरुण भनोट के साथ ही सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आप देखो कि लगातार सिर्फ सरकार के कुकर्मों का बखान होने लगा है और सिर्फ 8 महीने में सरकार से मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही मांगने लगी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। अगर 1200 का बोला था बहनों को देंगे और जीजा जी को 5000 का बिल दे दिया। नगर निगम में त्राही त्राही है टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, हम आप जैसा कहो वैसा साथ देने को तैयार है। आप बहनों की आबरू बचा लो, बेटियों की आबरू बचा लो। आप बेटियों की आबरू का की राजधानी बना दिया आपने प्रदेश को। मैं याचना करता हूँ आपसे मोहन भैया, आप बेटियों की आबरू बचा लो, बस इतना ही निवेदन है। मैंने जैसा कहा, डंके की चोट जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 9 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न 2700 गेहूं के दिए, न 3200 धान के दिए, न 6000 रुपए की किसानों की जो सोयाबीन की मांग हो रही है उस पर काम कर रही है। सिर्फ कर्ज लेना 100 करोड़ रुपए रोज।